अमृत नाद उपनिषद। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है। इस उपनिषद में प्रणवोपासना के साथ योग के 6 अंगों यथा प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, प्राणायाम, तर्क, समीक्षा एवं समाधि आदि का वर्णन किया गया है। प्राणायाम की विधि, ओकार की मात्राओं का ध्यान, 5 प्राणों के स्थान एवं रंगों का उल्लेख भी किया गया है। योग साधक को भय, क्रोधादि मानसिक विकारों से मुक्त रहकर आहार विहार, बेष्टा कर्म, सोने जागने आदि क्रमों को संतुलित बनाए रखने का निर्देश है। साधना के फलस्वरूप देवतुल्य जीवन की प्राप्ति से लेकर ब्रह्म निर्वाण तक की उपलब्धि का मार्गदर्शन दिया गया है। शांति पाठ। हे परमात्मन, आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें। हम दोनों का साथ साथ पालन करें। हम दोनों साथ साथ शक्ति अर्जित करें। हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी प्रखर हो। हम दोनों एक दूसरे के प्रति कभी ईर्ष्या द्वेष न करें। हे शक्ति संपन्न, हमारे त्रिविध आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तापों का शमन हो, अक्षय शांति की प्राप्ति हो। परम ज्ञानवान मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह शास्त्रादि का अध्ययन करके बारंबार उनका अभ्यास करते हुए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करे। विद्युत की कांति के समान क्षण भर इस जीवन को आलस्य प्रमाद में नष्ट न करे। ओकार रूपी रथ में आरूढ़ होकर तथा भगवान विष्णु को अपना सारथी बनाकर ब्रह्मलोक के परम पद का चिंतन करता हुआ ज्ञानी पुरुष देवाधिदेव भगवान रुद्र की उपासना में तल्लीन रहे। प्राण यदि लौकिक सुखोपभोगों पर आरूढ़ हो जाता है तो क्षीण होता है। जब रेडियो तरंगों पर ध्वनि को आरोपित तथा सुपर इम्पोज करते हैं तो रेडियो तरंगे करिय बनकर उस ध्वनि को विश्व भर में पहुंचा देती हैं। उसी प्रकार ओंकार पर आरोपित प्राण परब्रह्म तक पहुंच जाता है। उस प्रणवरूपी रथ के द्वारा तब तक चलना चाहिए जब तक कि रथ द्वारा चलने योग्य मार्ग पूर्ण न हो जाए। जब वह मार्ग तथा लक्ष्य पूर्ण हो जाता है तब उस रथ को छोड़कर मनुष्य स्वतः ही प्रस्थान कर जाता है। जब ध्वनि तरंगे रेडियो तरंगों के साथ अपने लक्ष्य ट्रांजिस्टर तक पहुंच जाती हैं तो वे उन्हें छोड़कर अपने वास्तविक रूप में पुनः प्रकट हो जाती हैं। इसी प्रकार प्राण को चाहिए कि वह अपने इष्ट लक्ष्य तक पहुंचकर वाहक रथ बकरिय को छोड़कर अपने को इष्ट के साथ संयुक्त कर दे। ये परामर्श ऋषि दे रहे हैं। प्रणव की अकार आदि जो मात्राएं हैं तथा उन मात्राओं में जो लिंगभूत पद हैं, उन सभी के आश्रयभूत संसार का चिंतन करते हुए उसका त्याग कर स्वरहीन मकार वाची ईश्वर का ध्यान करने से साधक की क्रमशः उस सूक्ष्म पद में प्रविष्टि हो जाती है। वह परम तत्व अकार आदि स्वरों तथा ककार आदि व्यंजनों रूपी सभी प्रपंचों से पूर्णतया दूर है। शब्द स्पर्श आदि 5 विषय तथा इनको ग्रहण करने वाली समस्त इंद्रियां एवं अति चंचल मन इनको सूर्य के सदृश अपनी आत्मा की रश्मियों के रूप में देखें, अर्थात आत्मा के प्रकाश से ही मन की सत्ता है और उसी प्रकाश स्वरूप आत्मा की बाह्य सत्ता से शब्द आदि विषय भी सत्तावान हैं। इस प्रकार से आत्म चिंतन को ही प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क तथा समाधि इन 6 अंगों से युक्त साधना को योग कहा गया है। जिस प्रकार पर्वतों में उत्पन्न स्वर्ण आदि धातुओं का मैल अग्नि में तपाने से भस्म हो जाता है, उसी प्रकार समस्त इंद्रियों के द्वारा किए गए दोष प्राणों को रोकने अर्थात प्राणायाम की प्रक्रिया द्वारा भस्म हो जाते हैं। प्राण शक्ति का भोगों की ओर भटकना ही पापों को जन्म देता है, उसके नियमन से पाप की संभावना समाप्त होने लगती है। प्राणायाम के माध्यम से दोषों अर्थात इंद्रियों में एकत्रित विकारों को तथा धारणा के माध्यम से पापों को अर्थात कुसंस्कारों को जलाकर भस्म कर डालें। प्रत्याहार के द्वारा इंद्रिय के संसर्ग से उत्पन्न दोष तथा ध्यान के द्वारा अनीश्वरीय गुणों का नाश होता है। इस प्रकार संचित पापों एवं उन इंद्रियों के कुसंस्कारों का शमन करते हुए अपने इष्ट के मनोहारी रूप का चिंतन करना चाहिए। प्राणायाम के साथ इष्ट के मनमोहक रूप के स्मरण से मन सहज ही उस ओर लग जाता है, अतः प्राण प्रक्रिया तेजस्वी हो जाती है। इस प्रकार अपने इष्ट के सुंदर रूप का ध्यान करते हुए वायु को अंतःकरण में स्थिर रखना, कुंभक करना, रेचक अर्थात श्वास को निःसृत करना और पूरक अर्थात वायु को अंदर की, इस प्रकार रेचक पूरक एवं अंतः बाह्य कुंभक के रूप में 3 तरह के प्राणायाम कहे गए हैं। प्राण शक्ति की वृद्धि करने वाला साधक व्याहृतियों एवं प्रणव सहित संपूर्ण गायत्री महामंत्र का उसके शीर्ष भाग सहित 3 बार मानस पाठ करते हुए पूरक कुंभक तथा रेचक करे। इस प्रकार की प्रक्रिया को एक प्राणायाम कहा गया है।
नासिका द्वारा प्राणवायु को आकाश में निकालकर हृदय को वायु से रहित एवं चिंतन से रिक्त करते हुए शून्य भाव में मन को स्थिर करने की प्रक्रिया ही रेचक है। यही रेचक प्राणायाम का लक्षण है। जिस प्रकार पुरुष मुख के माध्यम से कमल नाल द्वारा शनै शनै जल को ग्रहण करता है, उसी प्रकार मंद गति से प्राणवायु को अपने अंतःकरण में धारण करना चाहिए। यही प्राणायाम के अंतर्गत पूरक का लक्षण है। श्वास को न तो अंतःकरण में आकृष्ट करे और न ही बहिर्गमन करे तथा शरीर में कोई हलचल भी न करे। इस तरह से प्राणवायु को रोकने की प्रक्रिया को कुंभक प्राणायाम का लक्षण कहा गया है। जिस भांति अंधे को कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी भांति साधक नाम रूपात्मक अन्य कुछ भी न देखे, शब्द को बधिर की भांति श्रवण करे और शरीर को काष्ठ की तरह जाने, यही प्रशांत का लक्षण है। आंख कान आदि प्राण के संयोग से ही देखते सुनते हैं। जब प्राण प्रणव की ओर लग जाते हैं तो इंद्रियों से प्रकाश पूर्ण ध्वनि तरंगे टकराती भर हैं। उनका बोध करने वाला प्राण वहां न होने से अंधे बहरे जैसी ही स्थिति हो जाती है। बुद्धिमान मनुष्य मन को संकल्प के रूप में जानकर उसे आत्मा बुद्धि में लेकर दे, तत्पश्चात उस आत्मा रूपी सद्बुद्धि को भी परमात्म सत्ता के ध्यान में स्थिर कर दे, इस तरह की क्रिया को ही धारणा की स्थिति के रूप में जाना जाता है। शास्त्रानुकूल उहा अर्थात विचार करना तर्क कहा जाता है। ऐसे तर्क को प्राप्त करके दूसरे अन्य सभी प्राप्त होने वाले पदार्थों को तुच्छ निकृष्ट मान लिया जाता है। इस प्रकार की स्थिति को ही समाधि की अवस्था कहा जाता है। भौतिक पदार्थ वरेण्य नहीं इष्टि वरेण्य है, ये तर्क अंतःकरण में बैठते ही प्राणों को इष्ट में समाहित कर देता है। भूमि को स्वच्छ समतल करके रमणीय तथा अशुद्ध विषय एवं कीट आदि सभी दोषों से रहित क्षेत्र में मानसिक रक्षा दिग्बंधादि करता हुआ रत मंडल ओंकार का जप करे। पद्मासन स्वस्तिकासन और भद्रासन में से किसी एक योगासन में आसीन होकर उत्तराभिमुख होकर के बैठना चाहिए। तत्पश्चात नासिका के एक छिद्र दाएं को एक अंगुली से बंद करके दूसरे खुले छिद्र बाएं से वायु को खींचे, फिर दोनों नासापुटों को बंद करके उस प्राण वायु को धारण करे। उस समय तेज स्वरूप शब्द ओंकार का ही चिंतन करे। वह शब्द रूप एकाक्षर प्रणव ओम की ब्रह्म है। तदनंतर इसी एकाक्षर ब्रह्म ओंकार का ही ध्यान करता हुआ रेचक क्रिया संपन्न करे, अर्थात वायु का शनै शनै निष्कासन करे। इस तरह से कई बार इस ओंकार रूपी दिव्य मंत्र से प्राणायाम की क्रिया द्वारा अपने चित्त के प्रमादादि मल विकारों को दर करना चाहिए। इस प्रकार प्राणायाम के द्वारा सभी दोषों का शमन करते हुए पूर्व निर्दिष्ट क्रम आकार ओकार मकार के अनुसार ओंकार का ध्यान करते हुए प्राणायाम करे। इस तरह का प्रणव गर्भ प्राणायाम नाभि के ऊर्ध्व भाग अर्थात हृदय में विराट आदि का ध्यान करते हुए स्थूलति स्थूल मात्रा में संपन्न करे। प्राणायाम की 80 आवृत्ति स्थूल मात्रा तथा एक श्वास में 80 प्रणव मंत्र का जप अति स्थूल मात्रा कहलाती है। अपनी दृष्टि को ऊपर अथवा नीचे की ओर तिरछा घुमाकर केंद्रित करते हुए बुद्धिमान साधक स्थिरता पूर्वक निष्कंप भाव से स्थित होकर योग का अभ्यास करे। योगाभ्यास की यह क्रिया ताल वृक्ष की भांति कुछ ही काल में फल प्रदान करने वाली है। इसका अभ्यास पहले से सुनिश्चित योजनानुसार ही करने योग्य है, अर्थात बीच में उसे घटाना बढ़ाना या रोकना नहीं चाहिए। द्वादश मात्राओं की आवृत्ति भी समान समय में ही पूर्ण करनी चाहिए। इस प्रणव नाम से प्रसिद्ध घोष का उच्चारण बाह्य प्रयत्नों से नहीं होता है। ये व्यंजन एवं स्वर भी नहीं है। इसका उच्चारण कंठ तालु ओष्ठ एवं नासिका आदि सानुनासिक से भी नहीं होता। इसका दोनों ओष्ठों के अंत में स्थित दंत नामक क्षेत्र से भी उच्चारण नहीं होता। प्रणव वह श्रेष्ठ अक्षर है जो कभी भी च्युत नहीं होता। ओंकार का प्राणायाम के रूप में अभ्यास करना चाहिए तथा मन गुंजायमान घोष में सदैव लगाए रहना चाहिए। ओंकार को उद्गीत कहा गया है। इसे उत्प्राणों के माध्यम से ही झंकृत किया जाता है। योगी पुरुष जिस मार्ग का अवलोकन करता है, अर्थात मन के माध्यम से जिस स्थान कम पांच करने योग्य मानता है, उसी मार्ग द्वार से प्राण और मन के साथ गमन कर जाता है। प्राण श्रेष्ठ मार्ग द्वार से गमन करे, इस हेतु साधक को नित्य नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए। वायु के प्रवेश का मार्ग हृदय ही है। इससे ही प्राण सुषुम्ना के मार्ग में प्रवेश करता है। इससे ऊपर ऊर्ध्वगमन करने पर सबसे ऊपर मोक्ष का द्वार ब्रह्मरंध्र है।
योगी लोग इसे सूर्यमंडल के रूप में जानते हैं। इसी सूर्यमंडल अथवा ब्रह्मरंध्र का भेदन करके प्राण का परित्याग करने से मुक्ति प्राप्त होती है। भय, क्रोध, आलस्य, अधिक शयन, अत्यधिक जागरण करना, अधिक भोजन करना या फिर बिल्कुल निराहार रहना आदि समस्त दुर्गुणों को योगी सदैव के लिए परित्याग कर दे। गीता में यही भाव युक्ताहार विहारस्य आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है। इस प्रकार नियम पूर्वक जो भी साधक क्रमशः उत्तरोत्तर प्रगति करता हुआ नियमित अभ्यास करता है, उसे 3 मास में ही स्वयमेव ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। वह योगी साधक नित्य नियमित अभ्यास करता हुआ 4 मास में ही देव दर्शन की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। 5 माह में देवगणों के समान शक्ति सामर्थ्य से युक्त हो जाता है तथा 6 मास में अपनी इच्छानुसार निसंदेह कैवल्यक मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। पृथ्वी तत्व की धारणा के समय में ओंकार रूप प्रणव की 5 मात्राओं का, वरुण अर्थात जल तत्व की धारणा के समय में प्रणव की 4 मात्राओं का, अग्नि तत्व की धारणा के समय में प्रणव की 3 मात्राओं का तथा वायु तत्व की धारणा के समय में प्रणव की 2 मात्राओं के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इसके पश्चात आकाश तत्व की धारणा करते समय प्रणव की 1 मात्रा का तथा स्वयं ओंकार रूप प्रणव की धारणा करते समय उसकी अर्ध मात्रा का चिंतन करे। अपने शरीर में ही मानसिक धारणा के माध्यम से पंचभूतों पृथ्वी आदि तत्व की सिद्धि प्राप्त करे और उनका ध्यान करे। इस तरह के कृत्य से प्रणव की धारणा द्वारा पंचभूतों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। 30.5 अंगुल लंबा प्राण श्वास के रूप में जिसमें प्रतिष्ठित है, वही इस प्राण वायु का वास्तविक आश्रय है। यही कारण है कि इसे प्राण के रूप में जाना जाता है। जो बाह्य प्राण है उसे इंद्रियों के द्वारा देखा जाता है। इस बाह्य प्राण में 113,680 निःश्वासोच्छ्वास प्रश्वास का आवागमन एक दिन एवं रात्रि में होता है। प्रायः दिन रात्रि में श्वासों की संख्या 21,600 मानी जाती है, जो प्रति मिनट 15 निःश्वास के हिसाब से ठीक बैठती है। यहाँ इतनी संख्या का उल्लेख शोध का विषय है। आदि प्राण का निवास हृदय क्षेत्र में, अपान का निवास गुदा स्थान में, समान का नाभि प्रदेश में एवं उदान का निवास कंठ प्रदेश में है। व्यान समस्त अंग प्रत्यंगों में व्यापक होकर सदैव प्रतिष्ठित रहता है। अब इसके पश्चात समस्त प्राण आदि 5 वायुओं के रंग का क्रमानुसार वर्णन किया जाता है। इस प्राण वायु को लाल रंग की मणि के सदृश लोहित वर्ण की संज्ञा प्रदान की गई है। अपान वायु को गुदा के बीचों बीच इंद्रगोप वीर बहुटी नामक गहरे लाल रंग वाले एक बरसाती कीड़े के रंग का माना गया है। नाभि के मध्य क्षेत्र में समान वायु स्थिर है। ये गो दुग्ध या स्फटिक मणि की भांति शुभ्र कांति युक्त है। उदान वायु का रंग धूसर अर्थात मटमैला है और व्यान वायु का रंग अग्रशिखा की भांति तेजस्वी है। जिस श्रेष्ठ योगी अथवा साधक का प्राण इस मंडल 5 तत्वों का शरीर क्षेत्र, वायु स्थान एवं हृदय प्रदेश का भेदन कर मस्तिष्क के क्षेत्र में प्रविष्ट कर जाता है, वह अपने शरीर का जहां कहीं भी परित्याग करे पुनः जन्म नहीं लेता अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही उपनिषद रहस्य है।